इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज श्री सत्य साई सेवा समिति ललितपुर के तत्वावधान में स्थानीय सिंचाई विभाग कॉलोनी के अंतर्गत विश्वेश्वरैया हॉल के पास गोविंद सागर बांध की तलहटी में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के अंतर्गत 200 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। इस स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के अंतर्गत लोगों का ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन एवं अन्य परीक्षण डॉक्टर लाल पैथोलॉजी के माध्यम से मनीष पटवारी लैब टेक्नीशियन के नेतृत्व में किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ अधियांशी अभियंता भूपेश कुमार सुरेहा एवं अधियाशी अभियंता भागीरथ के मुख्य आतिथ्य एवं सहायक अभियंता नवाब सिंह एवं स्वामी अनुराग अमर के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस शिविर को लगवाने का क्या उद्देश्य है आपका? सत्संगी सेवा समिति के तत्वाधान में आज स्वास्थ्य परीक्षण शिविर यहाँ लगाया गया है। स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाने का यही उद्देश्य है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हो और अगर किसी तरह की उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो उस हिसाब से अपना इलाज करा सकें। भगवान श्री सत्साई सेवा समिति के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार इस तरह के कार्य किए जाते रहते हैं। उसी क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर इसको आयोजित किया है और ख़ास तौर से सिंचाई विभाग कॉलोनी में डैम के पास लगाने का उद्देश्य यही था कि हमारे जितने डैम के साथी यहाँ घूमने आते हैं वो अपना परीक्षण निःशुल्क करा सके। केवल घूमने वालों के लिए कि नहीं, सभी लोगों के लिए है, लेकिन सुबह जो जल्दी रखा है वो इसलिए रखा कि सुबह डैम में घूमने वाले अपना टेस्ट करा लें और बाकी तो कोई भी आए, सबके लिए ये उपलब्ध है यहाँ पे। हाँ, दिन भर चलाइए। अगला शिविर आप लोग अब कहाँ लगवाएंगे या इसकी कोई जानकारी? अभी ऐसा कुछ हमारा प्लान नहीं है, जैसा होगा फिर हम लोग आपको बताएंगे, लेकिन हम लोग 2-3 महीने में कुछ कुछ कार्यक्रम सेवा कार्य करते रहते हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।